हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी गुरु चैनल पर। तो फाइनली यहाँ पर क्लास टेंथ के छात्रों का जो विज्ञान का पेपर होने वाला है, यहाँ पर विज्ञान पेपर के लिए आपको जो प्रश्न हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, प्रश्न क्रमांक एक से लेकर यहाँ पर लास्ट कौन सा प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। लास्ट वाला है 23। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक एक से लेकर 23 तक के आपको सभी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, और सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से रट लीजिएगा। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मात्र 2 मिनट लेंगे। आप 2 मिनट तक इसको पूरा देखिएगा, आपको यहाँ पर पूरे क्वेश्चन और उनका आंसर भी उपलब्ध करा देंगे। छात्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, आप देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां है, और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो आपको कहाँ से देखना है, फुल सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो यहाँ पर 6वां वाला है, अमलगम किसे कहते हैं, और इसके 7वां में है भर्जन किसे कहते हैं, और 7वां है धातुओं के दो गुण लिखिए और अधातुओं के दो गुण लिखिए, दोनों को अच्छे से रट लेना है। और इसके बाद में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। जो भी प्रश्न हम इस वीडियो में बताने वाले हैं उन सभी को आपको रटना है कल के पेपर के लिए, यानी कि जो आपका पेपर होने वाला है विज्ञान त्रिमासिक का। और विस्थापन एवं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में एक अंतर लिखिए, अथवा तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। इसके बाद में 10वां है, वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। और इसके 7वां में है छात्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, और इसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं संक्षारण से बचाव के उपाय लिखिए, और उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उदाहरण लिखिए, और 12वां है हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, और संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। और छात्रों, अब मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बता देता हूँ ये सभी प्रश्न आपको कहाँ से देखने हैं, वो भी सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि अगर आपको एक एक प्रश्न बताऊँगा वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपको पेपर की तैयारी भी करना है, इन सभी क्वेश्चनों को आपको रटना भी है यानी कि याद भी करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। छात्रों, सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है, गूगल पर आने के बाद में आपको स्टडी गुरु सर्च करना है, कुछ इस प्रकार से। जैसे ही आप सर्च कर दोगे गूगल पर, तो सबसे टॉप पर जो वेबसाइट आएगी studyguru.com करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट आर्टिकल देखने को मिलेंगे, आप इन आर्टिकलों को अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, क्योंकि हमें देखना है त्रैमासिक परीक्षा को लेकर कंटेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ऊपर जो है वो त्रैमासिक परीक्षा है, और नीचे अर्धवार्षिक परीक्षा, और इसके आगे भी यहाँ पर प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा मिल जाएंगी। तो हमें क्या देखना है, त्रैमासिक परीक्षा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में अब हमें देखना है क्लास कौन सी है हमारी, 10th क्लास है, तो यहाँ पर 10th क्लास पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं विज्ञान त्रैमासिक पेपर 13 अक्टूबर 2022 PDF डाउनलोड, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इसके बाद में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपका आ जाएगा, और यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी आंसर के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो और छात्रों, सभी जो प्रश्न हैं वो आप इस वेबसाइट पर आकर जल्दी से देख लीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको इसी में मिल जाएंगे, तो लिंक मिलेगी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखें, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएंगे, वो भी सॉल्यूशन के साथ। तो दोस्तों, जल्दी से आइए इस वेबसाइट पर और चेक कर लीजिएगा और रट लीजिएगा सभी प्रश्नों को। दोस्तों, इसके अलावा भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी जबरदस्त रखें।